आज वीडियो में बात करेंगे अबाउट एप्पल ग्लासेस के बारे में, एप्पल की एआर और वीआर ग्लासेस के बारे में बात करेंगे, इसकी रिलीज डेट, प्राइस एंड इसकी चंद स्पेसिफिकेशन ही बताऊंगा, ठीक है, कैसे काम करती हैं और मार्केट में कितनी किस्म की एआर और वीआर ग्लासेस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो स्किप ना करें, कम्प्लीट वॉच करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखें एप्पल ग्लासेस के बारे में। एप्पल ग्लासेस काफ़ी सालों से लीक एंड र्यूमर्स निकल कर आ रहे हैं, इसके 2015 में भी आए थे, इसके 2017 में भी काफ़ी सारे आए थे लीक एंड र्यूमर्स की अभी रिलीज़ हो जाएगी आईफोन एक्स के साथ ही। फिर 2019 में आए इसके लीक एंड र्यूमर्स निकल कर, ये बस साल के एंड में रिलीज़ हो जाएगी, बट अभी तक ये मार्केट में मौजूद नहीं है, ठीक है। अभी क्यों मौजूद नहीं है ये बता देता हूँ मैं आपको। देखें, आप जानते हैं गूगल के एआर ग्लासेस यहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना, और गूगल कितना बड़ा टेक जायंट है ये भी जानते हैं, इसके बावजूद भी ये काफ़ी फेल हैं, ठीक है, ये कोई हिट प्रोडक्ट नहीं है गूगल की, काफ़ी फेल प्रोडक्ट है यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये एप्पल ने इतनी रिसर्च की है इतने सालों की, तो एक दफ़ा हिट प्रोडक्ट निकले सैमसंग यहाँ पर आईफोन की तरह, तो फिर ये सारा साल चलने वाली प्रोडक्ट होगी, ठीक है ना। जो तो अगर ये आते ही फेल हो गई एप्पल ग्लासेस, तो फिर तो यहाँ पर एप्पल के तो पैसे डूबेंगे, साथ में इन्वेस्टमेंट सबको डूब जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये पहला रीज़न हो सकता है। और बात कर लें यहाँ पर, देखें यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है ना, बिल्कुल ही डिफरेंट और न्यू टेक्नोलॉजी है एआर और वीआर ग्लासेस में, क्योंकि अभी कुछ सालों से नहीं बल्कि काफ़ी सालों से यहाँ पर अभी iOS 16 में बहुत सारी AR और VR यहाँ पर इन्होंने सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है ना। इसको अभी जो Apple VR चल रहा है उसके बारे में तो अभी बात नहीं करेंगे, वो भी आ रहा है यहाँ पर मार्केट्स में। और बात कर लें यहाँ पर इसकी iOS 16 की, तो iOS 16 में पहले ही काफ़ी सारे AR फीचर्स मिल जाते हैं, मतलब कि लाइव टेक्स्ट वगैरह, वीडियो चल रही है तो आपने उसको पॉज किया तो उसको भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, मीन्स के सर्च कर सकते हैं उसके टेक्स्ट को, कुछ भी कर सकते हैं, कोई फ़ोटो लिए किसी और लैंग्वेज में लिखी हुई है आपने उसको भी कर सकते हैं। तो ये भी एक एआर यहाँ पर इन्होंने फीचर दिए हुए हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इंडिकेट कर रहे हैं कि न्यू एप्पल ग्लासेस जल्द ही रिलीज़ कर दी जाएंगी। और यहाँ पर मजीद बात कर लें किस किस्म की बिल्ड क्वालिटी होगी। देखें, बिल्ड क्वालिटी कबलस वक्त होगा कहना, बट जो जहाँ तक मैंने लोगों को सुना है और अलग अलग वेबसाइटों को विज़िट किया है, तो कहा यही जा रहा है कि जो पहली एप्पल ग्लासेस होंगी वो प्लास्टिक से ही बनी होंगी, ठीक है, यहाँ पर कोई हमें प्रीमियम मेटल नहीं मिलेगा देखने को, ना ही कोई टाइटेनियम, ना ही स्टेनलेस स्टील और ना ही मेटल, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, जस्ट प्लास्टिक की होंगी। और बात कर लें ग्लास, यहाँ पर ग्लास की तो लेंस की बात कर लें, देखें जो ग्लास का मतलब जो ऐनक का ग्लास होता है वो डिफरेंट चार्ज किया जाएगा, वो डिफरेंट चार्ज नहीं किया जाएगा, वो ग्लास के अंदर ही आएगा, ठीक है ना, मतलब ये जो गूगल सेंस के साथ ही आएगा, ठीक है ना। और मजीद बात कर लें इसके बारे में, तो एप्पल ग्लासेस यहाँ पर हमें कब देखने को मिलेंगी, अभी मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कब देखने को मिलेगी, अभी कुछ भी कहना कबलस वक्त होगा, मेरे नहीं ख्याल से ये 2023 के भी एंड तक मुझे आती हुई नज़र आ रही है, लेस सी कब रिलीज़ होती है, ठीक है ना। तो ये कुछ भी कन्फर्म नहीं है कब रिलीज़ होंगी ये, ठीक है। और प्राइस की बात कर लें तो देन अगेन ये कबलस वक्त होगा, ठीक है, रियली अर्ली टू से इसकी प्राइस और इसकी रिलीज डेट, तो इसकी प्राइस भी कुछ निकल कर आ रही है $500-$600 के राउंड अबाउट, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अगर तो एप्पल ग्लासेस कोई बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हुई, एटलीस्ट $600 की प्राइस में नहीं आएगी, ये मेरे ख्याल से $900-$1000 की प्राइस में आएगी एप्पल ग्लासेस, क्योंकि यहाँ पर एप्पल ने इन्वेस्टमेंट की है तो एप्पल निकालेगा भी इन्वेस्टमेंट, ये बात याद रखिएगा आप, ठीक है ना। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर एप्पल ने कितने प्राइस में इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, ये फ़र्क पड़ता है एप्पल ने कितनी इन्वेस्टमेंट गई है, ठीक है ना, और बाद में इन्होंने कस्टमर से कितनी इन्वेस्टमेंट निकलवानी है। और यहाँ पर मजीद बात कर लें, देखें साइड पर इसके सेंसर भी लगे होंगे, लाइट सेंसर्स और कैमराज भी लगे होंगे इसके अंदर, ठीक है ना। और जैसा कि आप डिस्टेंस देख सकते हैं, आप किसी ट्रेन के अंदर बैठे हैं, मिसाल के तौर पर ट्रेन के अंदर आप बैठे हैं कि आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो आप देख रहे हैं कितना टाइम लगेगा आपको जाने में, तो एप्पल ग्लासेस आपको बता देंगी आपको लोकेशन, ठीक है ना, तो कितना टाइम लगेगा देखने से।
और या फिर आप देख रहे हैं सामने की तरफ तो आपके सामने कोई सब्जेक्ट है तो आपके सामने वो सब्जेक्ट भी बता देगी एप्पल ग्लासेस के कितने मीटर दूर है, आपको कितनी स्पीड से जाएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है, अभी जब ये अवेलेबल होगी तभी मैं इसके बारे में ज़्यादा बता सकता हूँ, क्योंकि अभी अगर मैं बताऊँगा तो बहुत से लोगों को समझ नहीं आएगा। ठीक है ना, तो काफ़ी सारी फ्यूचरिस्टिक बातें होंगी और यही बहुत बड़ा सवाल उठ कर आ रहा है क्या ये IP68 होगी। बट मेरे ख्याल से IP68 होगी, ये IP68 अगर ना हुई तो ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी, क्योंकि ये तो ग्लासेज हैं, अगर ये IP68 ना हुई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, और मज़ीद बात कर लें इसके बारे में तो यहाँ पर इसकी बैटरी कहाँ पर होगी। देखें बैटरी बैटरी बैटरी, तो बैटरी इसके जो यहाँ पर हमें साइड पर मिल जाएंगे इसके, ये देखें यहाँ पर हमें यहाँ पर होगी बैटरी। ठीक है ना, यहाँ पर होगी बैटरी इसकी, तो और काफ़ी थिक होगी। और बात करें देखें यहाँ मैं शुरू से वीडियो में दिखाया जा रहा हूँ, ये देखें ये ग्लासेस, ये स्टीव जॉब एडिशन होगा। ठीक है ना, ये जो एप्पल ट्रू एप्पल फैंस होते हैं ना उनके लिए होगा ये गोल्ड ग्लासेस, तो जो लोग चाहें ख़रीद लेंगे। ठीक है ना, जो लोग ट्रू एप्पल के फ़ैन हैं वो ख़रीद लेंगे बहुत आराम से। और बात कर लें यहाँ पर मज़ीद इसके बारे में तो ये मैं रिलीज रेट भी आपको बता दी, ठीक है, प्राइस भी बता दी। और इससे पहले यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं कि आईफोन 14 प्रो के साथ ही रिलीज़ हो जाएंगी, ये इसकी प्राइस $300 होगी, इसकी प्राइस ये होगी वो होगी, अलग अलग वेबसाइट भी क्लेम कर रही हैं। ठीक है, बट जो स्ट्रॉन्ग सोर्स के थ्रू खबर आई है अभी तक, एटलीस्ट पिछले 6 महीने तक की मैं बता रहा हूँ 2022 की, तो 2022 का आज 30 जून है, ठीक है ना, 30 जून है आज, तो मतलब 7 महीने हो जाएंगे कल 2022 को, तो 2022 में मैंने कोई एप्पल ग्लासेस की लीक एंड र्यूमर्स नहीं देखे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोर्सेस से। हाँ, बहुत वीक सोर्सेस से आए हैं जो बिल्कुल ही फेक के बराबर होते हैं, वो खबरें आई हैं, बट वो बताना सही नहीं है। तो जो मैं आपको जितने फीचर्स बताए ये 2022 से पहले के बताए हैं, मीन्स के एप्पल की इसमें साइड पर सेंसर डालेगा, इसके कैमराज होंगे और इसके कितने कितने ग्लासेस होंगे, क्या इसकी प्राइस होगी और क्या रिलीज डेट होगी, ये सब कुछ बताया मैं 2022 से पहले का कंटेंट। ठीक है ना, तो इसकी कोई भी न्यू पेशरफ सामने नहीं आई, ये बताना ज़रूरी था इस वीडियो के एंड में, क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि वी आर बैक द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट एप्पल ग्लासेस, तो एप्पल ग्लासेस कोई लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है। ठीक है ना, कोई लेटेस्ट न्यूज़ है ही नहीं, वही पुरानी न्यूज़ है। तो इस वीडियो में तरह कुछ था नहीं बताने के लिए, बट एप्पल ग्लासेस एक फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर कितनी कंपनियाँ इसमें इन्वॉल्व हैं। देखें यहाँ पर गूगल तो पहले बता चुका हूँ, गूगल और यहाँ पर कुछ काम कर रहा है फेसबुक भी, इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मीटा VR AR ग्लासेस के नाम से शायद आएंगी। ठीक है ना, तो इस पर काम कर रहा है फेसबुक भी, और यहाँ पर मेरे ख्याल से सैमसंग भी इस पर काम कर रहा होगा, बट सैमसंग कुछ निकल कर नहीं है। जहाँ तक दो टेक जायंट काम कर रहे हैं तो फिर तीसरा टेक जायंट जो है शाओमी, तो वो भी काम कर रहा होगा इसके ऊपर, अभी कुछ भी निकल कर नहीं आया, सब कुछ बहुत अर्ली टू से है इस सारे मामलात में। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, इसी किस्म के ट्रू ऑनेस्ट और गैर यहाँ पर ज़बरदस्त लीक एंड र्यूमर्स देखने के लिए चैनल आदमी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।